उज्जैन के तकरीबन 10 किलोमीटर दूर देवासोट पर बसा दताना गांव विकास की मिसाल बन चुका है। गांव में प्रवेश करते ही जहां नजर पड़े वहां स्वच्छता, चारों तरफ सीमेंट, कंक्रीट, सड़कों का जाल, 24 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति और रात में एलईडी बल्ब की दूधिया रोशनी से जगमगाती गांव की गलियां। कुछ साल पहले दताना गांव में सब नहीं था, फिर आखिर कैसे दताना एक सामान्य गांव से बन सका एक स्मार्ट विलेज। बीते कुछ सालों में मध्य प्रदेश शासन के विशेष प्रयासों से गांव की दशा में काफ़ी सुधार आया है। गांव के परिदृश्य अब बदले बदले से नजर आते हैं। उज्जैन जनपद के दताना गांव का नाम भी स्मार्ट विलेज की श्रेणी में शामिल हो चुका है। जब जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी कभी भी दताना गांव में आते हैं तो यहाँ की चाक चौबंद व्यवस्था से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। गांव के सरपंच श्री नासिर पटेल ने बताया कि साल 2016 में सिंहस्थ पर्व के दौरान दताना को स्मार्ट विलेज का दर्जा प्राप्त हुआ था। पहले दताना गांव के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 किलोमीटर दूर उज्जैन शहर जाना पड़ता था। वहीं अब दताना गांव में ही प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल की स्थापना शासन द्वारा की गई है। गांव में पहले कच्ची सड़कें हुआ करती थी, जिसके आगमन में लोगों को काफी परेशानी होती थी। शासन के पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत पूरे गांव में सीमेंट कॉन्क्रीट रोड का जाल बिछाया गया। इसके अलावा गांव में एक पंचायत भवन, दो आंगनबाड़ी भवन तथा मनरेगा के अंतर्गत चेक डैम का निर्माण भी किया गया। दताना ग्राम पंचायत खुले में शौच से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। गांव में संबल योजना के अंतर्गत लगभग 788 श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाए जा चुके हैं। वही दुर्घटना होने पर 8 प्रकरणों में श्रमिकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और 2 प्रकरणों में 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। पेयजल की बात की जाए तो नल जल योजना के अंतर्गत यहां हर घर में नल कनेक्शन है। दताना के पंचायत सचिव प्रवीण शर्मा ने जानकारी दी कि गाँव की आबादी लगभग 3,200 है। गाँव का साक्षरता दर लगभग 90% है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे होने के साथ साथ जागरूक भी हैं। हाल ही में कोरोना संक्रमण के दौरान अब तक 3 बार सैनिटाइजेशन किया जा चुका है। गांव में प्रत्येक घर में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया है। लॉकडाउन अवधि के दौरान गांव में पंचायत स्तर पर जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण भी किया गया। राजेंद्र परिहार की खास रिपोर्ट। नासिर पटेल, ग्राम पंचायत बताना। विकास कार्यों में हितग्राही मूलक योजना जो काम थी हमारे यहाँ पर, वृद्धावस्था पेंशन, कल्याणी पेंशन, प्रधानमंत्री आवास और रोडों की बात करें तो पूरे गांव के अंदर सीसी रोड का एक जाल बिछा हुआ है। पूर्व में पूरी गलियां कच्ची थी, आज अभी वर्तमान स्थिति में रोडों का जाल बिछा हुआ है, पूरा सीसी रोड निपट चुका है। सीसी रोड नाली निर्माण का कार्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया गया है। इसी के साथ आंगनवाड़ी भवन का भी निर्माण किया गया है। एक जो जीर्णोद्धार आंगनवाड़ी थी उसको मरम्मत करके उसकी बाउंड्री, पेवर ब्लॉक, झूला, फिसल पट्टी, इसी के साथ हमने पूरे गाँव के अंदर स्ट्रीट लाइट लगवाई, जो कि पूरा एक शहर नुमा दिखता है हमारा स्मार्ट विलेज गांव बताना। उसी के बाद जहां हम अभी बैठे हैं, ये राजीव गांधी सेवा केंद्र है, पब्लिक हमने इसको पंचायत भवन बना रखा है। पूरे गांव के अंदर नल जल योजना है, जो जरूरतमंद लोग हैं उन सभी लोगों को पानी की सुविधा मुहैया कराई जा रही है ग्राम पंचायत की ओर से। अजाबस्ती भीरपुरा है, वहाँ पर लाइट की बड़ी परेशानी थी, तो हमने हमारे जो स्थायी शासन की मदद से वहाँ पर एक डीपी उतरवाई और वहाँ पूरे मोहल्ले के अंदर लाइट आज अभी 24 घंटे की लाइट है। शांति धाम नहीं था यहाँ पर, शांति धाम की जगह हमने रेवेन्यू की मदद से शांति धाम की जगह उपलब्ध कराकर पूरी शांति धाम के अंदर जो है बाउंड्री, पेवर ब्लॉक, सीसी की जो कुर्सियाँ होती बैठने की, लोकसभा सेट चलाने के लिए जो शेड बनाए, वहाँ पहुँचने के लिए कच्चा रास्ता था तो वहाँ सीसी रोड बनवाया गया, जहाँ जिससे पंचायत भवन पहुँचता है वो सीसी रोड, शांति धाम से स्कूल और स्कूल से सीधे गांव निकल जाता है, मतलब गांव के दो रोड बन गए हैं। उसी के बाद सौभाग्य योजना के अंतर्गत हमने 45 कनेक्शन करवाए, 45 पोल गढ़वाए और जहाँ अंतिम चरण तक जो अजा जो बस्ती थी, गरीब घरों में लाइट नहीं पहुँची थी, वहाँ तक हमने स्थायी शासन की मदद से वहाँ तक लाइट पहुँचवाई। अभी हाल ही में स्कूल बाउंड्री है, स्कूल बाउंड्री पूरी कंप्लीट कर दी हमने। उसी को देखते हुए एक जो कब्रिस्तान यहाँ पर था, जो निजी जगह में था, उसको हमने राजस्व की मदद से
उसको शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। दर्ज करवाने के बाद में अभी हमने काम चालू कर दिया है, वहाँ पर भी बाउंड्री वाल का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास करीब 45 प्रधानमंत्री आवास हमने बनवाया प्रतीक्षा सूची के आधार पर, और अभी करीब 200 नाम दिए हमने। उसके पश्चात हमने यहाँ सेवा सहकारी संस्था है वहाँ भी एक शेड लगवाया, कुर्सी लगवाई। लगभग 5 साल में कार्यक्रम में कितने का कार्य, कितने का विकास कार्य? देखो वो तो देखना पड़ेगा, अनगिनत काम किए हमने, करोड़ रुपए के काम किए हैं। शासन की जो योजना है पंच परमेश्वर, इसके अलावा विधायक निधि, सांसद निधि, परफॉर्मेंस ग्रांट, वो सारे जितने भी जो निधि थी उन सभी निधियों का काम हुआ है यहाँ पर। मैं यहाँ हमारे गांव में स्मार्ट विलेज सन 2016 में सेफ में इसको स्मार्ट विलेज का दर्जा दिया गया था। हमने भी दलगत राजनीति से उठकर काम किया है, और इस सभी काम में मेरे जो दो स्तंभ हैं, हमारे सचिव प्रवीण शर्मा, नायब सचिव जितेंद्र डामेचा जी, उप सरपंच लाल सिंह जी, और मेरी हमारा एक ग्रुप है गाड़ी अड्डा ग्रुप, उसके समस्त मेरे युवा साथी, ग्रामीण जन, बच्चे और मेरे मतदातागण, ये इन सबका आशीर्वाद है जिन्होंने मुझे इतनी कम उम्र में इतने बड़े गांव में, पूरे देश के अंदर आज जहां जातिवाद का माहौल है, मैं एक मुस्लिम समुदाय से हूं, हमारे वोट बैंक में अगर देखा जाए तो बहुत कम है, यहां के जो ग्रामीण जनों ने जातिवाद को अलग रख के मुझे सरपंच बनाया, तो पहले तो मैं हृदय से उसका धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जो मेरे मतदाता है, इन मतदाताओं का इतना एहसान है मुझ पर कि मैं अपनी अपनी चमड़ी से इनके जूते भी बनवा दूं तो मैं इनका एहसान नहीं उतार सकता। लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, पर मैं बिल्कुल आपको मैं दिल से बोल रहा हूँ कि ये जो गांव है, ये गांव के जो मतदाता है, ये मेरे भगवान है, और मैं इनका ऋण शायद नहीं उतार पाऊँ। आपका नाम? सरपंच नासिर पटेल, ग्राम पंचायत बताना। क्या क्या काम हुआ है आपके गाँव में? हमारे गाँव में डीपी नीति लाए नाई, जिसका बाद में कीचड़ बहुत होता था, तो रोड बनाया सरपंच साहब ने। जिसका बाद आंगनवाड़ी बनाई सरपंच साहब ने, शांति धाम बनायो, सुख शांति अच्छी बहुत बढ़िया व्यवस्था करी गरीब लोग की। प्रधानमंत्री में क्या आपको आवास में कुछ पैसे मिले तो घर बनाया? हमारा घर नहीं बना साहब, बाकी दूसरे के और दूसरा का हमारा अरे मेरे पहाड़ पड़ोसी का सबका बनिया, हमारा घर नहीं बनिया साहब। आपको पेंशन? विधवा पेंशन? हाँ मिले साहब। क्या नाम है आपको? मेरा नाम श्यामू भाई। काम हुआ आपके पंचायत? आपकी हमारी पंचायत में हमारे ये प्रधानमंत्री भी साहब बनिया, हमारे गांव में रोड भी बनिया, हमारा गांव में लाइट भी लगेगी, और हमारे पेंशन भी चालू हुई। पहले कैसा रोड था आपको? पहला कच्चा था, अतरा अतरा किचड़ में उठता रहता था, अब अच्छा हुई है। पक्के द्वारा ये काम कराया? ये काम होया ना सिर्फ सरपंच का। आप पहले 5 साल के पहले कैसी स्थिति? पहला कैसी स्थिति थी, ऐसी थी, ऐसी ज्यादा नहीं थी, बाद में अच्छा होया, पहला किचड़ा था। अच्छा हाँ। आपका घर कैसा था पहले? टापरी थी। अच्छा हाँ। नाम क्या है? दरियाओ भाई। पंचायत में क्या क्या कार्य? नमस्ते, मैं ग्राम दताना से निवासरत हूँ। हमारे सरपंच जी श्री नासिर जी पटेल जी, उन्होंने बहुत अच्छे सराहनीय काम किए हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करवाया है, सीसी रोड बनवाए हैं, और उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों में ब्लॉक लगवाए हैं, बाउंड्रीज बनवाई है, गवर्नमेंट स्कूलों में बाउंड्री बनवाई है, ब्लॉक लगवाए हैं, शांति धाम बनवाए हैं, कब्रिस्तान की जो भी व्यवस्था भी सब सही करवाई है, और उनके द्वारा स्ट्रीट लाइट लगवाई है, और बहुत सारे ऐसे काम है जो उन्होंने पूरे अच्छी तरह से करवाए हैं। पिछले 5 साल के मुकाबले और इन 5 साल? हाँ, इस पिछले 5 साल के मुकाबले इस मुकाबले में ये कार्य बहुत अति सराहनीय है। पहले और अब में बहुत जमीन आसमान का अंतर हो चुका है, पूरा गांव की मतलब एक काया ही बदल चुकी है अच्छी तरह से सब। मेरा नाम कविता सिसोदिया है, विजय कविता विजय सिसोदिया है, दताना में निवासरत हूँ। ग्राम पंचायत दतान में क्या क्या विकास कार्य हुए और किस तरह से कार्य किए गए सर? हमारे यहाँ नासी सरपंच दताना में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, विगत 5 सालों में बहुत कुछ कार्य किया है उन्होंने, सब कुछ कार्य किया है, जैसे रोड का है, नाली का है, लाइट का है, और शमशान घाट का है, और इधर वो क्या बोलते हैं उसको,
कब्रिस्तान का है, और गांव में हर गली में रोड आरसीसी बनाए हैं, और बहुत अच्छे कार्य इन्होंने किए हैं। पहले कैसा था गांव और अब कैसा है, अब क्या लगता है आपको, क्या अब पहले स्वच्छ हो गया? पहले तो बहुत ही मतलब यहाँ काम बाकी था, कुछ काम 10-15 साल से कुछ हुआ नहीं है। इन्होंने जो 5 साल में काम किया है वो 25 साल में भी हमारे यहाँ नहीं हुआ। नाम मेरा नाम मोहनलाल प्रजापति है। आपके पंचायत में क्या क्या निर्माण कार्य हुए, किसके द्वारा कराए? सर हमारे यहाँ जो कार्य हुए हैं, जो इतने वर्षों से मेरी उम्र जो है करीब करीब 50 साल हो गए श्रीमान ने अभी तक देखा है, जो काम अभी 5 साल में हमारे नासिर भाई पटेल साहब ने जो किया है वो हमारे 50 साल में नहीं हुआ है। अभी शमशान घाट जो हमारे यहाँ बनाया है उसको इतने व्यवस्थित तरीके से, इतने अच्छे पौधे और सभी सुविधाएं उसमें उपलब्ध करा दी गई, बैठने की व्यवस्था सभी चीजें इनके द्वारा की गई है। पानी की क्या सुविधा है? पानी की सर हमारे यहाँ जो है टंकी बनवाई गई, जो नल जल योजना है, जो हर घर में पर्याप्त पानी मिल रहा है इनके द्वारा, और पानी सभी के घर जाता है। गाँव में जी श्रीमान कब्रिस्तान का निर्माण करवाया गया, बाउंड्री वॉल बनवाई गई इनके द्वारा, और बहुत ही अच्छे ढंग से काम करवाया गया, सीसी का काम करवाया गया इनके। केसर रोड सर क्या सर, ये जो अभी आप रोड में दिखा हूँ सामने, 30 साल से सर हम कीचड़ में बिल्कुल ऐसे घुटने घुटने कीचड़ में जा रहे थे, और जितने भी सरपंच आए उससे हमने निवेदन भी किया, परंतु श्रीमान हमारे किसी ने आज तक नहीं सुनी, और यही सरपंच है जो इनके द्वारा हमारा जो काम हुआ है। पूरे गाँव में किस तरह के रोड बने सर? सभी दूर सीसी रोड बना हुआ है और बहुत अच्छा रोड बना हुआ है। मेरा नाम अशोक कुमार वर्मा सर।